अन्य अधिकारीगण तथा सभी शिक्षार्थी बंधुओं, इस बार तृतीय वर्ष में भी ऐसे कुछ पुराने प्रचारकों के बारे में जानकारी देने का कार्यक्रम तय हुआ और अपने राजस्थान में भी शिक्षा वर्गों में अपने पुराने प्रचारकों के बारे में जानकारी देने का तय हुआ। दो नाम हम सबके सामने आए हैं, एक है श्रद्धेय ब्रह्मदेव जी और एक है श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह जी। पहले मैं ब्रह्मदेव जी के बारे में और बाद में माने लक्ष्मण सिंह जी के बारे में आपको कुछ जानकारी कराऊंगा। माने ब्रह्मदेव जी मूलतः दिल्ली के रहने वाले थे और 1920 में उनका जन्म हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में समाचार मिला कि उनका 1920 का जन्म है। वैसे आप सबको पता है कि अपने प्रचारकों के बारे में इतनी जानकारी कौन रखे, कोई पूछता भी नहीं इतनी बातें। लेकिन ऐसी चर्चा जो चलती है और ऐसे कार्यक्रम होते तब फिर पता करना पड़ता है। अपने राजस्थान में 1959 में माननीय देव जी आए थे, लेकिन माननीय देव जी अपने बारे में कभी कभी बताते थे। जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे बहुत ओजस्वी युवक थे और 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे, फुटबॉल के मैदान में नियमित आते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो बताने लगे, एक दिन एक युवक आकर हमारे ग्राउंड के पास खड़ा हो गया। दो तीन दिन तक आते रहे, हमारा खेल खत्म हुआ तो उनसे हमारी थोड़ी बहुत चर्चा होती थी। एक दिन कहने लगे कि आप लोग फुटबॉल खेलते हो, मैं भी खेल सकता हूँ क्या? तो हमने कहा आओ खेलो हमारे साथ, क्या दिक्कत है। थोड़े दिन बाद कहने लगे, पाँच सात दिन बाद, कि आप फुटबॉल खेलते हो लेकिन एक बहुत कीमती चीज़ है लाठी, मैं उसका अच्छा खिलाड़ी हूँ आपको, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो हम सब युवकों को जैसी की लाठी सीखनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छी लाठियाँ लेकर आए और हमको लाठी सिखाने लग गए। दो तीन दिन तो वो पैंट में आए, लेकिन बाद में एक दिन वो एक बढ़िया नेकर पहन कर आए। तो हम सब ने देखा कि नेकर बहुत बहुत ही सुंदर लगता था, अपने संग का नेकर वैसे बहुत अच्छा लगता है। तो अपन तो वेश को उचित तरीके से पहनते नहीं है, यदि अपना वेश उचित तरीके से पहने तो बहुत ही सुंदर है। ये बरमोटे से तो हजार गुना अच्छा लगता है ना, तो कैसे पहने फिरते आजकल। तो कहने लगे, उसका नेकर देकर हमको बहुत अच्छा लगा, ये स्कूल विद्यार्थी थे उस समय पर। फिर कहने लगे कि उन्होंने कहा कि लाठी सिखाने में दिक्कत रहती है, पैंट वेंट पहने में, आप भी नेकर चाहो तो कर सकते हो। उनका ऐसा नेकर चाहिए हमको, तो उनका ऐसा नेकर मिल जाएगा। तो उन्होंने हमारा नाप लिया और वैसे नेकर सिलवा कर नागपुर से मंगवा दिए। हम नेकर पहनकर दंड सीखने लग गए। एक दिन कहने लगे कि आज मेरे बड़े अधिकारी आए हुए हैं और मेरी इच्छा आप सब लोग उनसे मिलो। तो हम खेल कूद के मैदान के बाद सीधे वहीं चले गए, घर जाकर खाना नहीं खाया, सीधे आ गए। उनके पास हम बैठे तो वो एक साफा बांधे हुए एक थे, तो युवक जैसे लेकिन अपने आप को बुजुर्ग सा दिखा रहे थे। वो थे बाबा साहेब आपटे, क्योंकि उनको भी डॉक्टर जी ने दिल्ली भेजा था काम करने के लिए। तो उन्होंने देश के बारे में कुछ कथाएं सुनाना शुरू किया और अपने देश की ऐतिहासिक कथाएं उन्होंने बताई। हमारा उस कथा सुनने से मन ही नहीं छूट रहा था। वो कहते थे अब आप सब लोगों का टाइम हो गया, घर पर जाओ खाना वाना खाओ, मेरे पास तो बहुत कथाएं हैं, मैं तो रात को सुना सकता हूँ। तो वो ऐसा कहते थे और हम कहते थे आप सुनाओ ना, फिर वो कथा सुनाते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो एक दो कथा होने के बाद कहते थे अब आप सब लोग जाओ घर पर भोजन करो, मेरे पास तो ऐसी ही रात पर कथा सुना सकता हूँ। तो हम कहते एक और सुना दो ना, ऐसे करते करते 11:30 बज गई रात को। तो हमको उन्होंने कहा कि अब चले जाओ, घर वाले भी सब आपको ना कुछ कहेंगे, आजकल तो ज़्यादा नहीं कहते घर वाले, कल तो पिटाई हो जाती थी, घर जाते पिटाई हुई। लेकिन उनसे हमारा संबंध हो गया और तब से
धीरे धीरे हमारा जो दंड सीखने वाला जो कार्यक्रम था वो शाखा में परिवर्तित हुआ। एमएससी तक की पढ़ाई उन्होंने की। 1942 अपने सब कार्यकर्ताओं को याद रखने लायक क्षण है। परम पूजनीय गुरु जी, आप सबको ध्यान में 1940 में सरसंघ चालक बने, 1942 में वो दिल्ली आए और रात्रि को 12:30 बजे कार्यालय पहुंचे। वहां के महानगर कार्यों को बुलाया और कहा कि तरुण स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण प्रातःकाल करना है, 5 बजे का समय तय करो। अब 12:30 बजे थी, रात रात में सूचना हुई। सवेरे लगभग 450 युवक जिस हॉल में तय हुआ था वहीं पर उपस्थित थे। परम पूज्य गुरु जी का उद्बोधन, और कहते हैं गुरु जी ने अपना हृदय खोल कर रखा सबके सामने, और उनके मन में जो एक पीड़ा थी, व्यथा थी कि इतना कष्ट में अपना देश है, इतना कष्ट में अपना समाज है, आज युवक आगे नहीं आ रहे। तो उन्होंने जो अपने हृदय की व्यथा कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप में से जो जो युवक इस काम को कर सकते हैं और जीवन पर्यंत कर सकते हैं वो खड़े हो जाओ। 82 युवक खड़े हुए और पहली सबसे बड़ी टोली प्रचारकों की दिल्ली ने दी। उस टोली में माननीय ब्रह्मदेव जी भी एक थे और माननीय सोनल सिंह जी जो अपने राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक रहे, प्रांत प्रचारक रहे, वो उसमें से एक थे। माननीय सोनल सिंह जी का तो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था और उनकी जाने की तिथि भी उनकी ओर से आ गई, इस तिथि को आपको पहुंचना है। और देव जी उस समय और एमएससी कर ही रहे थे, एमएससी की परीक्षा दी और माननीय ब्रह्मदेव जी प्रचारक निकल गए। पहले तो पंजाब के क्षेत्र में प्रचारक रहे, लेकिन राजस्थान में किसी कारण से अपने पूर्व प्रांत प्रचारक थे उनको मुक्त किया था। राजस्थान का काम कौन संभाले, परम पूज्य गुरु जी ने देव जी का नाम तय किया और 1959 में माननीय देव जी राजस्थान में आए। उनका उस समय आयु 39 वर्ष की थी, बड़े भ्रष्ट पुष्ट और बड़े ओजस्वी थे। राजस्थान में माननीय ब्रह्मदेव जी के नेतृत्व में अपने संघ का जो व्यवस्थित आपको ढांचा दिखता है और कार्य का विस्तार दिखता है, उस महापुरुष की देन है। यदि बहुत कुछ व्यवस्थित करने में माननीय सोनल सिंह जी का योगदान भी बहुत बड़ा रहा है, नीचे तक मंडल तक काम पहुंचाने में, लेकिन हमें राजस्थान के काम को व्यवस्थित करने में माननीय ब्रह्मदेव जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। माननीय ब्रह्मदेव जी अपने राजस्थान के उसमें प्रांत था, आजकल क्षेत्र कहलाता है, अपने प्रांत प्रचारक रहे। अपने संघ कार्य का जिलों में विस्तार हुआ, तहसीलों तक विस्तार हुआ, जिलों की रचनाएं बनी, जिला कौन सा रहेगा, किसमें कौन सा गांव, किसमें कौन सा गांव आएगा, सब रचनाएं अंतिम रूप लेने लगी। जिलों में काम हो और तहसीलों में काम हो गया। कुछ कुछ जिले ऐसे थे जिनके खंडों तक भी अपना काम, कोटा के क्षेत्र में अपना काम और आगे तक बढ़ गया था। लेकिन इस काल में विविध क्षेत्रों में भी अपना काम व्यापक हुआ। अपने माननीय लक्ष्मण सिंह जी जिनकी चर्चा करेंगे, इनको भारतीय किसान संघ का काम दिया। माननीय भंवर सिंह जी अपने कार्यालय प्रमुख बने। माननीय जयदेव जी पाठक विद्या भारती और शिक्षा संघ का काम दिया। धन प्रकाश जी त्यागी भारतीय मजदूर संघ का काम दिया। ठाकुरदास जी टंडन सिंधु सभा का काम दिया। माननीय मोहन जी जोशी, उनको विद्यार्थी परिषद का काम दिया। एक गृहस्थ कार्यकर्ता थे द्वारका प्रसाद जी पाटोदिया, ब्रह्मदेव जी ने उनसे चर्चा की, वो अध्यापक थे, उनको कहा कि अध्यापक की नौकरी छोड़कर देश के लिए काम नहीं कर सकते क्या। द्वारका प्रसाद जी ने कहा कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा घर गृहस्थी की जो आवश्यकता होगी पूरी हम करेंगे, तो वो गृहस्थ थे। शेष आवश्यकताएं अपने कार्यकर्ताओं ने पूरी की। पाटोदिया जी अपने विश्वंत परिषद का काम देखने लग गए। ऐसे विविध संगठनों का व्यवस्थित विकास, ये भी अपने राजस्थान में माननीय ब्रह्मदेव जी की देन है। माननीय ब्रह्मदेव जी बहुत ओजस्वी वक्ता थे और तुरबुद्धि थे, निराशा कभी उनके जीवन में आती नहीं थी और बड़े
एक आध्यात्मिक पुरुष जैसा उनका चिंतन था। अपने संघ का उस काल में विरोध हुआ, जैसे अभी विरोध चल रहा है ना, कोई भी काम करो, कोई भी अच्छा काम करे देश में, और जो सरकार को लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, तो ये सरकार वाले क्या बोल रहे हैं आजकल, आरएसएस वाला है, इसके पीछे आरएसएस खड़ा है, ये बात बोलने लग गए। ऐसे ही ये आज की कथा नहीं है, ब्रह्मदेव जी ने प्राण प्रचारक थे, उस काल में भी कांग्रेस के लोगों ने संघ को बहुत बड़ी इस प्रकार बदनाम करने का षड्यंत्र किया, और इन्होंने एक पैम्फलेट छापा था, दरवाजे खिड़की खोल दो, नई रोशनी ताजा हवा आने दो। वो पत्रक एक दिन देव जी को लाकर दिखाया कि ये पत्रक उन्होंने छपाया विरोधियों ने, तो देव जी ने कहा कि उनको एक बात जाकर कहो ना कि दरवाजे खिड़की तो खुल जाएगा, लेकिन खिड़की के पीछे गंदगी बहुत ज्यादा है, खोल कर क्या करोगे। ऐसे वो तुरंत आज जवाब दे, और बहुत ज्यादा ही विरोध होने लग गया। तो एक दिन बैठक में चर्चा चल रही थी कि हर बात में संघ का नाम ले रहे हैं, तो माननीय देव जी तो बहुत ही विचित्र मजाक करते थे, तो कहने लगे कि भाई सब कार्यकर्ता सावधान रहना, अभी कोई भी काम हो रहा है वो संघ की देखरेख में हो रहा है, किसी कांग्रेसी का लड़का हो गया तो संघ की देखरेख में होगा। तो ऐसे वो इनके मुंह बंद कर देते थे, और बहुत मजाक करते करते ही बहुत ऐसी तगड़ी बातें बोल देते थे। अपने आत्मबल अद्भुत था, और एक आध्यात्मिक पुरुष थे वो। एक बार मीराबाई के मंदिर में गए, अपने जोधपुर के सत्यपाल जी हर्ष उनके साथ में थे, तो मीराबाई के मंदिर में गए, पहले तो कृष्ण का दर्शन किया, और वापस आते तो आपने देखा होगा मेड़ता का मंदिर, वापस आते समय पर कृष्ण को देखते हुए मीरा की एक पूरी आदमकद प्रतिमा है, देव जी उसके सामने खड़े हो गए, और थोड़ी देर खड़े रहे, आंख में से आंसू गिरने लग गए। लगभग 20-25 मिनट तक वो मूर्ति के आगे खड़े रहे, कार्यकर्ताओं ने कहा देव जी चलें, तो फिर साथ हुए, करने लगे 8-10 कथाएं देव जी ने मीराबाई की सुनाई। रामदेव जी के मंदिर में गए, वो मस्तियां और आनंद तो सदा उनके पास में रहता था। रामदेव जी के मंदिर में गए तो दर्शन कर बाहर आए, करने लगे कि तुमको पता है कि नहीं है, हमारे तो दोनों भाई हैं आपस में, रामदेव जी और मैं दोनों भाई हैं आपस में। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कैसे, उनका आपको पता नहीं, इनके छोटे भाई ब्रह्मदेव जी थे, रामदेव जी ब्रह्मदेव जी, तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मदेव हूँ, तो ये तो पीरों के पीर हो गए, मैं प्रचारक निकल गया। ऐसे वो बहुत आनंद लेते थे, लेकिन ओजस्वी बहुत थे। जब वो बोलते थे तो सभाओं में उनके विरोधी लोग भी, अपने संघ के विचार के विरोधी लोग, उनको पता लगता ब्रह्मदेव जी का बोध दिख गए तो आते थे। एक बार मैं जैसलमेर में जिला प्रचारक था, माननीय ब्रह्मदेव जी का कार्यक्रम हुआ, तो कई लोग जो संघ के किसी कार्यक्रम में कभी आते नहीं थे, संघ का विरोध करते थे, पत्र तो हमने उनको भी दिया निमंत्रण पत्र, तो संघ के ऐसे खुला विरोध करने वाले लोग, ब्रह्मदेव जी आ रहे हैं क्या, ब्रह्मदेव जी का भाषण सुनने तो आएंगे, विरोधी ब्रह्मदेव जी का भाषण सुनने आते थे। एक कार्यक्रम था, मुझे याद नहीं वो स्थान तो कौन सा था, लेकिन देव जी बड़े ओजस्वी बोलते थे, और वो कहते थे कि आज की देश की दुरावस्था मिटानी है तो जिस जमीन पर खड़े हो जमीन को जीत कर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं तुमको कह रहा हूं खड़े हो जाओ। तो कई लोग खड़े हो गए, पहले ऐसे भावुक होते थे उनके भाषण में, और सच में देव जी भी वो बोलते थे तो ऊपर से नहीं बोलते थे, वो हृदय से बोलते थे। कई लोग कहते थे देव जी का भाषण कहीं भी हो सुनने जाएंगे, देव जी का बोधिक सुनने के लिए आते थे। लेकिन कितनी तपस्या की उन्होंने, एक बार बीकानेर से चले, सवेरे की बस थी और उनको जैसलमेर आना था। अब अभी तो अपने कार्यकर्ताओं को ये अंदाज भी नहीं होगा कि इतना समय लग जाता था क्या, सवेरे 7 बजे बस में बैठे और शाम को 6 बजे जैसलमेर पहुंचे। उनको खट्टी चीज खाने में तकलीफ होती थी, लेकिन बीच में एक स्थान आता है बाप फड़ोदी तहसील का एक स्थान है, वहां के फेमसों को पता लगा ब्रह्मदेव जी उधर से जा रहे हैं, तो उनके लिए दही ले आए, पराठे लाए, पर बीच में भोजन करा देंगे, बसें भी पर्याप्त रुकती थी उस समय रास्ते में, तो देव जी को अल्पाहार कराया उसमें, लेकिन वो खट्टा था दही,
और तकलीफ हो गई उनको। उस तकलीफ में वो 6 बजे पहुंचे, 6:30 बजे जैसलमेर में अपने कर्मचारी स्वयंसेवकों की बैठक रखी हुई थी। उनके साथ साथ हम आए, तब अपने पास साधन भी नहीं था कि मोटरसाइकिल से ब्रह्मदेव जी को ले आए, मोटरसाइकिल किसी स्वयंसेवक के पास जैसलमेर में थी नहीं, तो पैदल ही उनको बस स्टैंड से लेकर आए। 10 मिनट लग गई, 20 मिनट कार्यक्रम में बचे। हमने कहा कि पूछा, लेट बहुत हो गई, हमने सोचा कि 3 बजे तक 3:30 तक आ जाएंगे, तो 6 बजे बैठक रखे, 6:30 बजे बैठक रखे। कहने लगे कि कोई कार्यक्रम तो नहीं छूटा ना, तो हमने कहा का नहीं कार्यक्रम नहीं छूटा। कहे कार्यक्रम नहीं छूटा तो कोई थकान नहीं है शरीर में, चिंता मत करो। मेरे कहने लगे एक बाल्टी भरो पानी की, तो मैं नीचे स्नान करने बाल्टी भर दी। अपने अमृतलाल जी बाटिया संघ चालक जिला के थे, उनके घर ठहरे थे, आए स्नान किया। मैं सोचता हूँ 3-4 मिनट में स्नान करके बाहर आ गए। 6:30 बजे बराबर कार्यक्रम में वो उपस्थित हो गए। बीकानेर से चले गए 7:30 बजे, 6 बजे पहुंचे हैं। उस अवस्था में 6:30 बजे कार्यक्रम में समय प्रपोज कर क्या कह रहे हैं कि कार्यक्रम कोई छूटा नहीं ना, नहीं छूटा तो कोई थकान नहीं, कार्यक्रम यदि छूट जाता तो शरीर थक जाता। ऐसे उन लोगों ने हृदय से काम किया संघ का। तब आज अपने संघ की एक शक्ति राजस्थान के अंदर खड़ी हुई दिखाई देती है। देव जी एक बार संघ शिक्षा वर्ग में थे, 1975 जब इमरजेंसी लगी, उसके पहले की बात है। वहीं पर राजनारायण के चुनाव का निर्णय आया था, इंदिरा गांधी को हारी घोषित किया था और फिर आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो उस कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त बादल आ गए, उस साल वर्षा ज्यादा ही हुई थी। तो देव जी ये अलग प्रकार का ही चरित्र था, छत पर चले गए और जाकर उन्होंने कुछ बोला होगा। फिर हमारी सबकी शिक्षकों की बैठक थी, हमने कहा देव जी बरसात का मौसम है, कार्यक्रम तो बिगड़ सकता है। तो कहने लगे कार्यक्रम बिगड़ सकता है, मैं छत पर जाकर आया हूँ, कहकर आया हूँ तू ब्रह्मदेव है, मैं इंद्रदेव हूँ, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तू ही भगवान का काम करता है, मैं ही भगवान का काम करता हूँ, मेरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया ठीक नहीं रहेगा, ध्यान रख लेना, ये कहकर आया हूँ मैं। और सच में ही ऐसा था कि बादल वाले छठे, इतना सुंदर कार्यक्रम शाम का अपना जो समापन का कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। अपने यहाँ के सीकर के एक स्वयंसेवक थे, इमरजेंसी लगी हुई थी, बड़े निराश बातें कर रहे थे, क्या होगा और कैसे होगा। देव जी ने कहा कि क्या बातें करते हो, 6 महीने का समय नहीं लगेगा, क्या आपातकाल खत्म हो जाएगा। वो कहने लगा देव जी ऐसे थोड़ी होता है कोई, और सच में 1 महीने बाद आपातकाल खत्म हुआ। वो कोई जैसे आध्यात्मिक पुरुष थे ऐसे भी लगता था कई बार, ओजस्वी पुरुष थे। परम पूजनीय गुरु जी का प्रवास हुआ, जयपुर का कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो कार से अजमेर जा रहे थे, अजमेर में कार्यक्रम था। देव जी ने रस्ते में उनको पूछा, गुरु जी ये भ्रष्टाचार है ना, अभी अपन जिसको भोग रहे हैं और आंधी चल रही है भ्रष्टाचार को समाप्ति के लिए, और इस समय क्या बड़ा एक यज्ञ देश के अंदर चल रहा है, अद्भुत है, और इस काल को हम लोग देख रहे हैं भी बड़े सौभाग्य की बात है, कैसे देश के अंदर परिवर्तन होता है, इस रचना को हम देखेंगे, विश्वास से चलते रहना। देव जी ने पूछा कि भ्रष्टाचार तो बहुत तेज गति से पनप रहा है गुरु जी, उस समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कहा हाँ सही है तुम्हारा। कहने लगे अपने संघ के काम की गति तो बहुत कम है। तो गुरु जी ने कहा ये भी तुम्हारा सोचना सही है। तो देव जी ने कहा कि फिर ये जो भ्रष्टाचार है इसका घेरा तो बहुत तगड़ा होगा, और अपने जो काम करने वाले हैं सदाचारी लोग इनका घेरा बहुत छोटा सा होगा। तो गुरु जी ने कहा तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। फिर आगे देव जी ने कहा फिर गुरु जी क्यों जिंदगियां बर्बाद करें, जैसे सब लोग आनंद से रहते हम भी रहे, क्यों फालतू में समय खराब करें। तो परम पूज्य गुरु जी ने कहा ये गलत है तुम्हारा सोचना। और गुरु जी ने उनको कहा कि देखो ये भ्रष्टाचार का घेरा है ना, ये तीव्र गति से बढ़ेगा और बहुत बड़ा होगा। सदाचार का घेरा छोटा होगा लेकिन सदाचार का घेरा ठोस होगा,
ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि जिस भ्रष्टाचार को आज समाज स्वीकार कर रहा है, इस भ्रष्टाचार से समाज तंग भी हो जाएगा। मेरा हाथ इनकी जेब में, इनका हाथ मेरी जेब में है, क्योंकि मैं इनको इनसे पैसे लूट रहा हूँ, ये मेरे से पैसे लूट रहे हैं, इनका मौका मिले तब। ये सारे देश में चल रहा है आजकल, किसी विभाग में चले जाओ। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब जनता इस भ्रष्टाचार से तंग हो जाएगी, तब जनता ढूंढेगी किसका विश्वास करे। देव जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गुरु जी ने कहा कि किसका विश्वास करें, तुम इतना ध्यान रखना ब्रह्मदेव, प्रत्येक गांव के अंदर 4-5 ऐसे ईमानदार और सच्चे लोग तुम्हारे संघ अपने संघ के साथ जोड़ लो। जिस दिन समाज इस भ्रष्टाचार से तंग आ जाएगा, उस दिन सदाचार की ओर दौड़ेगा समाज। तुम्हारे पीछे इतनी ताकत खड़ी हो जाएगी, इतनी भीड़ खड़ी हो जाएगी जितनी देश विभाजन के समय पर संघ की शाखाओं में भीड़ खड़ी होगी पंजाब के अंदर। संभालना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और मैं सोचता हूं कि वही समय आने वाला है। अपने कार्यकर्ताओं के बारे में बहुत व्यापक चिंता करते थे, बहुत चिंता करते थे। अपने यहां पर अपने प्रभारी प्रकाश जी, इनका हार्ट टूट गया था एक बार, तो प्लेट लगा दी थी, लेकिन लगातार मवाद आ रही थी दो जगह से। 15 दिन हो गए, एक डॉक्टर के कहने पर वहीं रुक गए, उसने तूल ही नहीं दिया। देव जी आए प्रवास से, यहाँ कैसे हो? अब ये को मैं सोचता हूँ कोई जिला प्रचारक होंगे ज्यादा ज्यादा उस समय पर, तो उन्होंने बताया कैसा सवाल, डॉक्टर का नाम लेना ठीक नहीं। तो देव जी ने कहा मेरे साथ चलो। अपने साथ लेकर गए डॉक्टर कटारिया के पास, उनसे बातचीत करी कि देखो 15 दिन से दुख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, 1 महीने का समय और लगेगा, मैंने देख लिया अच्छे प्रकार से, कोई ज़्यादा कष्ट वाली बात नहीं है। उनको वापस चूरू भेजा, शायद चूरू में उसमें प्रजा रखते हो। अपने कार्यकर्ता की इतनी चिंता, अपने माने सोन सिंह जी के जीवन से राजस्थान के कार्यकर्ता परिचित कोई भी नहीं होंगे शायद, पुराने लोग तो, और उन्होंने भी जीवन जो तपा है राजस्थान में, लेकिन उस सब के पीछे भी माननीय ब्रह्मदेव जी की ही कृपा रही है। माननीय सोन सिंह जी देश का सबसे पहला शिविर लगा दिल्ली के अंदर, 10,000 संख्या का सबसे बड़ा शिविर था। उसकी समग्र व्यवस्था देखने वाले माननीय सोन सिंह जी, दिन रात विश्राम नहीं किया। और आपको पता है आजकल के स्कूलों की तरह पहले व्यवस्था नहीं थी, साधन और सब सुविधाएं अब हुई है, कल बहुत ही मैं चर्चा करेंगे इस विषय की। लेकिन उस काल में तो कुछ नहीं था, सारे मैदान अपने को स्वयंसेवकों को साफ करने पड़ते थे, टेंट हाथों से लगाने पड़ते थे, पानी के पाइप अपने हाथों से लगाने पड़ते थे, सब शौचालय बनाने पड़ते, कार्यकर्ता हाथों से, इतना किसके पास पैसे की व्यवस्था थी, नहीं अपने पास इतने साधन थे। तो आवाज आ रही है ना सबको? माननीय ब्रह्मदेव जी देते थे, फिर कह सोन सिंह जी दवाई ले लो, और दवाई लेते थे, कुछ खिलाते थे, खाते थे, सो जाते थे। ऐसे लगभग 5 महीने तक नींद की अवस्था में रहे और दवाई लेते रहे। राजस्थान में आए हो गए, उनको कोई 8-9 महीने उसमें बीत गए थे। एक दिन अचानक माननीय सोन सिंह जी को ध्यान आ गया। आप कल्पना करो देव जी की कैसी अवस्था हुई होगी। पता लगा देव जी को तोड़ पाए, और बहुत खुश, अत्यंत प्रसन्न करने लगे। सोन सिंह जी ने कहा देव जी मैं यहां कैसे आया? तब उनको ध्यान में है मैं यहां आ गया हूं, 8-9 महीने हो गए। सोन सिंह जी ने कहा मैं लेकर आया हूं, देव जी ने कहा मैं लेकर आया हूं इसलिए आ गए। उनको धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे होश आता गया, एक स्वयंसेवक को कहा इनको शाखा ले जाया करो। थोड़ी दिन बाद कहा सोन सिंह जी परिचय होगा शाखा में, सब स्वयंसेवक अपना परिचय कराएंगे, आपका परिचय ये करवाएंगे कार्यकर्ता जो साथ जाएंगे वो। ऐसे उनको शाखा में भेजना शुरू किया, लेकिन अपने साथी को खड़ा कर लिया उन्होंने। और धीरे धीरे करते करते शाखा में चर्चा शुरू करवाई उनसे, और फिर माननीय सोन सिंह जी को
अपने इस विभाग का जयपुर विभाग के विभाग प्रचारक के नाते दायित्व मिला, अपने विभाग प्रचारक रहे इस विभाग के वो, लेकिन अपने सहयोगी को खड़ा कर लिया। देव जी का यहां से क्षेत्र प्रचारक के नाते दिल्ली केंद्र बन गया, राजस्थान के प्रचारक माननीय सोहन सिंह जी हो गए। एकदम अस्वस्थता में से भी एक आत्मविश्वास था, मैं खड़ा कर लूंगा इस कार्यकर्ता को, और राजस्थान को प्रांत प्रचारक देकर देव जी चले गए। ऐसे अपने जीवन में अथक साधना करने वाले महापुरुष, उन्होंने भी अपने राजस्थान में काम किया है। मैं सोचता हूं कि हम सब स्वयं सेवक उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं अपने प्रांत में, और जो देव जी को गुरु जी ने कहा था कि वो समय आएगा हर एक गांव में चार पांच अच्छे ईमानदार और सच्चे लोग संघ के साथ और स्वयं से कराते खड़े कर लो, उस अधूरे कार्य को पूर्ण करने का निर्णय हम सब स्वयं से करना चाहिए। इतना मैं सोचता हूँ हम सब करेंगे तो माननीय देव जी, जिन्होंने अपना राजस्थान में आकर अपना सारा जीवन खपाया, उस महापुरुष को हमारी आंतरिक श्रद्धांजलि होगी।